बाबा एक हार पर इतने तनकीद के नश्तर शुरू हो जाते हैं कि कोई स्लो खेल रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत ही कमज़ोर है, एकदम से एक जीत से सारी चीज़ आप बदल देते हैं, तो क्या कहेंगे तनकीद करने वालों को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें मैं कौन होता हूँ कहने वाला, कोशिश हमारी यही होती है कि सिचुएशन के हिसाब से खेला जाए और जो चीज़ें हमारे हाथ में वो की जाएँ, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना हम उनको सुनते हैं और ना कोशिश करते हैं कि वो टीम में भी ना आए। और तनकीद देखें अच्छा करते भी हैं तब भी करते हैं, ना करें तो वो तो वैसे ही सब वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आज हमने चेज़ किया, क्योंकि ये पहले भी हमने चेज़ किए हैं वैसे, हमारी बस यही प्लानिंग थी कि मेरी और रजवान की सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, कैसे लेके जाना, किस टावर में हमने चार्ज करना, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ हमने अंदर उस अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। बाबर जिस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही थी तो उसको आप लोग पॉजिटिव ले रहे थे, क्योंकि आज बिल्कुल आपका स्टाइल डिफरेंट था कि 66 बॉलों पर 110 रन, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप लोगों ने एकदम एक्सेलेटर दबाया और बिल्कुल टेम्पो गेम का डिफरेंट कर दिया? देखें आप कंडीशंस के हिसाब से और अगली टीम ने टारगेट क्या दिया उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने गेयर्स चेंज करते हैं। डिपेंड करता है आपने कैसे उस चीज़ को चीज़ों को लेना है। देखें आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं पॉजिटिव में, तो हमेशा इन चीज़ों को पॉजिटिव में लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक का अपना पॉइंट व्यू है, किसी को हम ये नहीं कह सकते वो क्यों ये बोल रहा है या वो क्यों ये बोल रहा है, हर एक का अपना पॉइंट व्यू है। हमारा काम परफॉर्मेंस देना, वो हम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस वो दी जाए जिससे पाकिस्तान जीता। बाबर इस जीत को और जो सेंचुरी पार्टनरशिप की आपकी आदत बन गई है ना, आपकी और रिजवान की, हर दूसरे मैच में सेंचुरी पार्टनरशिप, 7 सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई, किस तरह इस को रेट करते हैं, इस आज की विक्ट्री को और पार्टनरशिप को? देखें पार्टनरशिप हमारी मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है और हमने क्योंकि अल्लाह का शुक्र ऐसी चेज़ का पहले भी किए हैं, तो हमारी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी मिलती है और बिलीव होता है कि कभी कभार हम ऐसे रन लेते हैं कि हम कॉल भी नहीं करते तो हम भाग जाते हैं, तो ये एक ट्रस्ट लेवल है और ये ट्रस्ट लेवल पूरी टीम में, और हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाए एज अ टीम। देखें अप एंड डाउन चलते रहते हैं लेकिन एज अ टीम हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे नहीं होता हम कोशिश करते हैं कि उसको सपोर्ट किया जाए और एज अ टीम उसको लेके चला जाए और फिर ऐसी कोशिश करते हैं कि परफॉर्मेंसेज दिए जाए। एक रिक्वेस्ट है काइंडली क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चंस फोकस करें। महमूद भाई वैसे बाबर नसीम शाह की जगह आज हसनैन को किया, हसनैन की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, नसीम की जगह हमने हसनैन को आज मौका दिया, हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक कर रहे हैं, हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैंने और चीफ सेलेक्टर ने भी आपको बताया था कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, जिस डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि आगे जो इवेंट है वो काफ़ी बड़ा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पूल है उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वहाँ पर जाके जो भी प्लेयर खेले वो कॉन्फिडेंस में हो। बाबर आप कह रहे हैं कि आप तनकीद करने वालों की नहीं सुनते, लेकिन मेरा ख्याल है आपने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सर क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन कर लें, असगर भाई क्रिकेट के ऊपर आज के मैच के ऊपर हो गया ये क्वेश्चन हो गया सर, क्रिकेट के ऊपर कर लें। थैंक यू वेरी मच। एहसान भाई आप कर लें। बाबर ये जो परफॉर्मेंस आई है, देखें 152 आपने इंडिया के खिलाफ लास्ट ईयर किए थे जो बड़ी पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड में, आपने इंडिया को एक तवील अरसे के बाद शिकस्त दी थी, और आज आपने इंग्लैंड को, जबकि आपने कम बैक किया था, लोगों की आज उम्मीदें कम थी लेकिन आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे और जो स्टेट ऑफ द माइंड होता है कि कल आपकी शिकस्त हुई थी लेकिन आज आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, तो ये क्या था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? हाँ देखें पास में जो गुजर जाता है हम कोशिश करते हैं उसको जितना जल्दी भूलें, लेकिन मिस्टेक्स हम उस पर डिस्कशन करते हैं एज अ टीम और हमारी मीटिंग्स भी होती हैं कि हम कहाँ पर गलत थे, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते थे, तो हम यही करते हैं कि मैच के बाद या अगले दिन हम उस पर डिस्कशन करते हैं और कोशिश करते हैं उसको जितना जल्दी बोलें उतना अच्छा है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं और टाइम कम है और सोचने का टाइम आपको कम मिलता है, तो जितना आप पॉजिटिव रखेंगे और जितना आप बिलीव रखेंगे, तो क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आगे इवेंट बढ़ा है और ये मैचेस हमारे लिए काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि मोमेंटम लेके हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। लास्ट टू तो सद्दीक एंड मुजम्मिल। बाबर इधर, अस्सलाम वालेकुम, आप कॉन्फिडेंस दे, जब इंग्लैंड का टोटल आप नज़र सामने आया था
और इंग्लैंड के मतलब कमी हमें कुछ बता सकेंगे क्या आपने देखा था आप मैच में दौरान में उनको वो भी अली ने मोइन अली कहा था वो भी बैट पहले आप भी बैट का पहले करने तैयार थे लेकिन उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे किसकी बात इंग्लैंड इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जी बिल्कुल कंडीशंस मेरे ख्याल से थोड़ी डिफ़िकल्ट थी मेरे ख्याल से जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी कंडीशन नहीं थी लेकिन दिखने में थोड़ा सा ड्राई विकेट लग रहा था और लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की वो आउटस्टैंडिंग था उन्होंने टोटल सेट किया लेकिन मेरे ख्याल से जो कैचेस कैच ड्रॉप हुआ उससे काफ़ी डिफरेंस आया क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं जिसकी वजह से इतना हाईएस्ट टोटल उन्होंने करके दिया लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा सा अंडर द लाइट बेहतर बॉल आ रहा था लेकिन स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प मिल रही थी क्योंकि आपको पता है कि कराची में थोड़ा सा मिलता है स्पिनर्स को हेल्प बाबर आपकी शानदार सेंचुरी आपके हर शॉट पे जिस तरीके से फैंस चेयर कर रहे थे हाउस पैक था रमेश राजा ने कहा कि फैंस बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो फैंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अगर एक आध बैड परफॉर्मेंस हो जाए तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है प्लेयर्स को देखें जो फैंस हैं वो देखें जल्दी भूलते नहीं हैं जो आपके फैंस होते हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं अप एंड डाउन जब भी आता है क्योंकि क्रिकेट है और स्पोर्ट्स में हर एक दिन ऐसा एक जैसा नहीं होता अप एंड डाउन चलते हैं कभी अगला दिन कुछ होता है उससे अगला दिन कुछ और होता है तो आप उस तरीके से चलते हैं तो मेरे ख्याल से फ़ैन भी सपोर्ट करते हैं जो आपके फ़ैन्स होते हैं वो ऑलवेज आपको सपोर्ट करते हैं और मेरे ख्याल से जिस तरह मेरे ख्याल से जितना पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया उन्होंने वो आउटस्टैंडिंग रहा क्योंकि परफॉर्मेंसेज हमारी काफ़ी अच्छी भी आई हैं कहीं पर अच्छी भी नहीं आई लेकिन उन्होंने हमें बैक किया तो उनकी बैक की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है